छुड़ता है उस समय क्या दशा बन जाती ये कभी कल्पना करना है। अरे प्रेम री जंजीर बिरन तुम झूठ मती मानो जस नाय जातक छुपे सबरी बीमारी जय जानर हमेशा दिल है दिल धड़के और बुद्धि कर न काम कले जो बिन प्रेम तड़प हरा खाना पीना हो गए पर दिन को पड़े लगे लगा तो नहीं लगाया गोपियां बोली अब उसी समय भगवान चले हैं। चलते चलते अक्रूर जी ने नदी में यमुना जी में स्नान किया, भगवान के दर्शन नाना प्रकार से जल में हुए। अक्रूर जी का भ्रम दूर हो गया कि कन्हैया कोई साधारण बालक ना है, अवतारी है। चलते चलते ग्वाल बाल साथ में है, बाबा नंद भी। भगवत श्रोताओं उसी समय चलते चलते मथुरा नगरी में जब पहुंचे, इधर भगवान श्याम सुंदर भगवान के साथ में सभी सका बलराम भैया हैं और स्वयं बाबा नंद जी हैं। अक्रूर जी आगे आगे चलते चले जा रहे हैं तो क्या देखा, भोजराज कंस के धोबी आ रहे हैं उधर से कपड़ा धुलने के लिए तालाब में। भगवान ने जो देखो बोले भैया धोबी। हाँ बोलिए कौन हो? धोबी भैया का चिल्ला रहे, का बात है? हम तुमसे एक आग्रह निवेदन करना चाह रहे हैं। क्या? तुम अपने कपड़े हमें दे सकते हो क्या? क्या ज्यादा नहीं, एक दिन के लिए। भगवान कन्हैया कहने लगे धोबी भैया सीधे मानो तो मान जाना फिर तो मानोगे। धोबी बोला अच्छा जबरदस्ती ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, भोजराज कंस का शासन। और परीक्षित जी धोबी ना है माने और दबे उनका है, कोई दबन वाली दबा थोड़ी है। सही बात है, ऊपर बैठे ने दबे वाली को दबा था। जब लगाए लेना फिर तो कोई है ही नहीं इनके सामने, पूरे हिंदुस्तान बगल में है। भगवान श्रोताओं एक कवि पे ये कहता है क्या, इसे पीकर चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भगवान के लगे धोबी क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो?